कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि तौर पर आए हुए हैं, इस मेले के बारे में क्या कहना है? ओम थोड़ा पकड़ ला। देखिए, जो ये मेले का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित किया गया है, ये हमारे पुरातन संस्कृत की एक विरासत थी और जो विलुप्त होती दिख रही थी, उन्होंने एक समझ लीजिए पूरे भारत में पूरे सनातन संस्कृत में एक प्राण फूंक दिया। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा, आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा इसका परिणाम दिखेगा। जिस तरह से ठेला कुंचे वालों को दिवाली के अवसर पर रोजगार को प्रोत्साहन देने का कार्य हुआ है, कितना सफल मानते हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, हमारे भारत ही देश नहीं, अभी तो हर क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग हैं उसका ये उद्देश्य होता था कि हम गरीबों को कैसे उठाया जाए। विशेष रूप से हम भारतीय संस्कृति को उत्थान करने के लिए इस प्रकार का आयोजन करते थे और गरीब तबके के लोग जो रेहड़ी या ठेले पर अपना कार्यक्रम करते थे, उन लोगों के माध्यम से, मेले के माध्यम से, गांव की एक पूल के माध्यम से लोग आते थे और वो खरीदारी करते थे, जिससे उनका अपना पूंजी जो लगाते थे उससे अच्छा उनका आय होता था और उस आय के माध्यम से वो अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते थे और अपने बच्चों को शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा, अन्य विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते थे। आपके ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने यहाँ परफॉर्मेंस किया, उनकी परफॉर्मेंस बारे में क्या कहना आपका? हमारे ब्लॉक के जो बच्चे हैं ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रस्तुतिकरण किए हैं और शिक्षा के माध्यम से उन्होंने पूरे समाज को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किए। ये हमारे ब्लॉक की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, पूरे प्रदेश में ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका हो रही है और बच्चे निश्चित रूप से इसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, अन्य विषय जो है उसमें आगे बढ़ रहे हैं और उसकी स्कॉलरशिप प्राप्त करके बेसिक शिक्षा का मान एवं सम्मान बढ़ा रहे हैं।